देखो सर, हमारे पास जो अब तक फॉर्मूले हुए हैं उनमें स्पेशली हमारे पास फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एंड साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बेटे एक मिनट में जरा रुक जाओ, ये वन है ये टू है, तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं वन प्लस टू तो आपके पास क्या होगा, आपके पास ये होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, जब आप प्लस करोगे तो ये वाले आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले, तो आपके पास क्या होगा साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी आएगा, तो आपके पास आ जाएगा, से बंद करिए उधर जाइए थोड़ी देर के लिए, कुप्पो के पास, टू साइन ए कॉस बी। आप खुद ध्यान से देखिए, अगर इस दोनों फॉर्मूले को आप माइनस करोगे वन माइनस टू, तो वन माइनस टू करेंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो अब इस केस में क्या होगा ये वाले कैंसिल होंगे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू टू कॉस ए साइन बी। ये हमारे पास बनेगा। किसी को कुछ समझ में आ रहा है? अगर आप साइन के जो बेसिक फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी एक बेसिक फॉर्मूला है और साइन ए माइनस, बेसिक एट फॉर्मूलाज हैं, साइन के लिए दो हैं साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस के लिए दो हैं कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन के लिए दो हैं टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, और कॉट के लिए दो हैं कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी। दीज आर एट बेसिक फॉर्मूलाज। मैन तो अगर मैं कहूँ तो चार ही हैं साइन और कॉस। अब उन बेसिक से आगे बढ़ रहे हैं कि अगर हम उन फॉर्मूले को ऐड करें, तो अगर हम साइन को ऐड करते हैं तो प्लीज ध्यान से देखिए टू टाइम आएगा, लेकिन पहला वाला साइन होगा और दूसरा वाला कॉस होगा। लेकिन इसी उसमें अगर आप साइन को माइनस करेंगे तो पहला वाला कॉस होगा दूसरा वाला साइन होगा। हमने साइन की प्रॉपर्टी बताई हुई है कि भाई साइन अच्छा है, अगर खुद खाएगा तो दूसरों को भी खिलाएगा, तो साइन के साथ कॉस भी आना ही आना है। लेकिन प्लस में इतना होता है कि पहला साइन दूसरा कॉस, माइनस में इतना होता है पहला कॉस दूसरा साइन। अब इसी तरह से, तो अब आपके पास ये, मैं एक तरह से कह दूं कि ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया, सपोज करो एट फॉर्मूले से आगे पहुंच के नाइन, और ये मेरे पास हो गया टेन। तो इसी तरह से मैं अगर आपसे कहूं, अब्बू कहाँ रह गए, वालेकुम सलाम, कॉस ए प्लस बी दैट इज कॉस ए कॉस बी, प्लस में माइनस आता है आपको पता है साइन ए साइन बी। ये पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले आपको अच्छे से आते हैं फिर कोई टेंशन नहीं है, तो फॉर्मूले पे ही फोकस करिए कि सीधा दिमाग में बैठ रहा हो, लिखने की जरूरत ना पड़े रटने की जरूरत ना पड़े। कॉस ए माइनस बी, अगर कॉस को माइनस करते हो तो आपके पास क्या है कॉस ए कॉस बी, माइनस में प्लस आता है साइन ए साइन बी। ये हमारे पास है, आओ जी आओ लड्डू कराओ जल्दी से, आओ जी सोनू मियां जल्दी आओ, हाँ लो आराम से फ्रेश हो, मैं भी फ्री हो जाऊँ इतने। तो अगर हमारे पास ये कॉस के फॉर्मूले हैं तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला थर्ड होता है बेसिकली, और ये हमारा फोर होता है। तो अगर इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, कॉस को हम प्लस कर रहे हैं, तो आप देखोगे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। प्रॉपर आवाज आ रही है सब बच्चों को? यस सर। हाँ भाई, यस सर, प्लीज फोकस फॉर्मूले पे करो कि ये आपको सीधा जहन में बैठ रहा हो कि हम क्या कर रहे हैं। जो चार बेसिक फॉर्मूले वो ध्यान में हो कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस, अगर साइन को प्लस किया तो क्या हुआ, साइन को माइनस किया तो क्या हुआ, ये चीज। अब अगर हम कॉस को प्लस कर रहे हैं तो कॉस में ये वाली टर्म माइनस होती है और ये वाली टर्म प्लस होती है, तो माइनस में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब कॉस ए कॉस बी दो बार आ गया। तो मैंने कहा था कि कॉस सेल्फिश होता है, तो उसे अगर प्लस करना है तो दोनों अपने पास ही रखना है, टू कॉस ए कॉस बी। साइन में और कॉस में यही डिफरेंस है कि अगर कॉस को प्लस कर रहे हो तो सारा अपने पास ही रख लेगा, दोनों टाइम कॉस ही आएगा, टू कॉस ए कॉस बी।
लेकिन अगर हम इनको माइनस कर रहे हैं, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, अगर हम इनको माइनस कर रहे हैं तो उस माइनस करने में ये माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, लेकिन प्लस वाला भी माइनस हो रहा है, तो हो क्या रहा है, कॉस ए कॉस बी तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन साइन ए साइन बी आएगा, माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस इतना सेल्फिश है कि कॉस को अगर माइनस कर रहे हैं तो टू टाइम साइन ए साइन बी तो आ रहा है, दोनों साइन आएंगे लेकिन माइनस में आ रहा है। किसी को अगर कुछ देना भी है तो गंदी चीज देगा, अच्छा नहीं देना, बचा कुछ आप उठा के दे दो। तो साइन में यही होता है, साइन को प्लस करते हैं तो पहला साइन दूसरा कॉस, माइनस करते हैं तो पहला कॉस दूसरा साइन, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तुम भी ले लो मुझे भी दे दो, प्लस में पहला साइन मेरा हो जाएगा दूसरा तुम्हारा, माइनस में पहला तुम्हारा दूसरा मेरा। लेकिन कॉस क्या करता है कि अगर प्लस कर रहा है तो दोनों मुझे चाहिए, माइनस कर रहा है तो चलो साइन को दे दूं लेकिन नेगेटिव दूंगा। तो पहला तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो इस पर डायरेक्ट एक क्वेश्चन देखो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला लूंगा और डायरेक्ट क्वेश्चन उठाऊंगा, तो जिससे कि आपको स्पीड मिले कि आपके चैप्टर्स होता चला जाए। ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, अगर आप चेक करोगे फॉर्मूला याद है तो एक लाइन लिखनी है। ये है आपके पास cos 3π by 4 plus x minus cos 3π by 4 minus x is equals to minus root 2 sin x, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं ले लूं कि भाई cos 3π by 4 plus x माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स, आप मुझे बताओगे इससे क्या नजर आ रहा है? हाँ भाई, कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स, क्या आपको कुछ लग रहा है? प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। यस, वेरी गुड। कॉस के बेसिक फॉर्मूला को आप माइनस कर रहे हो, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अब जैसे ही आप कहोगे कि कॉस को कॉस वाला फॉर्मूला है, तो कॉस वाले फॉर्मूले में या तो दोनों कॉस आने हैं या दोनों साइन आने हैं। दोनों कॉस कब आने हैं? जब कॉस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कॉस को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों क्या आने हैं, साइन आने। और साइन जब आने हैं तो माइनस क्या आने, प्लस क्या आने, माइनस के, माइनस का आना है। तो बस सीधा सीधा सा देख लीजिए, कुछ करना नहीं था। ये हमारा ए है प्लस बी और ये हमारा ए है माइनस बी, तो हमारा क्या आना है, दोनों साइन आने। मैं आपके लिए लिख रहा हूँ टू साइन ए साइन बी और माइनस में आना है बस। तो हमारा जो आंसर आना था, आंसर तो सिर्फ इतना सा आना था, माइनस टू साइन ए, ए यहाँ पे 3π/4 है और बी, बी हमारा यहाँ पे एक्स है। सब बच्चों को समझ में आया क्या? और बी यहाँ पे हमारा एक्स है। सबको क्लियर है ये बात? बोलिए ना बच्चे, तो माशाल्लाह 15 12 13 है, तो बोलिए, नहीं समझ में आ रहा तो बताइए। फॉर्मूले का फॉर्मेट समझ में आ रहा है, हमने क्या लिखा है? ये देख लो ऊपर वाला फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो ए जो है यहाँ पे 3π/4 है, बी यहाँ पे एक्स है, तो ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो सिंपली माइनस टू साइन ए साइन बी आना था। तो हमारे पास आ गया माइनस टू साइन 3π/4 साइन एक्स। अब सिर्फ सिंपल ये है कि 3π/4 की वैल्यू होती क्या है, ठीक है सर? पाई बाय फोर की वैल्यू क्या होती है? 135 होती है इसकी वैल्यू। वेरी गुड। अगर 135 पाई बाय फोर 45 होता है, पाई 180 होता है, 180 बाय फोर 45, 45 थी जा 135, अगर आप डिग्री में भी कंसीडर कर रहे हो, नहीं तो आप इसको उससे भी कंसीडर कर सकते थे 180 माइनस करके, 180 माइनस 45, पाई माइनस पाई बाय फोर।
तब भी आप तो 135 हमारे पास है, तो रेडियन में कंसीडर करो चाहे डिग्री में, तो ये होता है साइन 90 प्लस 45. आपको पता होगा 90 में चेंज हो जाता है क्वाड्रेंट, ये सेकंड है तो पॉजिटिव होगा, तो कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है भाई? 1/√2. ये रफली चाहिए आपको, फेयरली नहीं चाहिए, तो आप उठा के वैल्यू रख दो, कोई नहीं पूछने जा रहा कहां से आया है. तो साइन 3π/4 1/√2 हो गया साइन एक्स. क्या रूट टू से टू कैंसिल हो सकता है रूट टू टाइम्स? यस सर. फाइनल आंसर क्या आपके पास? -√2 साइन एक्स. तो शायद चेक करो यही हमें राइट हैंड साइड चाहिए था. यस सर नो? यस सर. सिर्फ इतना ही करना था. तो आपके पास क्या है, ये चार फॉर्मूले हैं कि अगर हम साइन को प्लस करेंगे, साइन को माइनस करेंगे, फिर देख लो जरा ध्यान से, साइन को प्लस करेंगे, साइन को माइनस करेंगे, तो साइन अच्छा पर्सन है, दोनों में आएगा, साइन भी आएगा कॉस भी आएगा. प्लस करेंगे तो पहला साइन दूसरा कॉस, माइनस करेंगे पहला कॉस दूसरा साइन. लेकिन अगर कॉस को प्लस करते हैं दोनों कॉस, कॉस को माइनस करते हैं दोनों साइन, वो भी माइनस में. सिर्फ इतना सा है. चलो जरा ध्यान से देखो, अब हमारे पास क्या है, अब हम इन फॉर्मूलाज को और फिर आगे जिसे कहना चाहिए रिफाइन कर रहे हैं. हमने क्या कहा है कि हम साइन को प्लस कर रहे हैं. जरा ध्यान से देखिए इन चारों फॉर्मूला को, और बस सबसे ज्यादा इसी पे फिर क्वेश्चंस बनेंगे. एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें हम क्या कर रहे हैं. हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन को हम प्लस कर रहे हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये है हमारे पास साइन. अगर हम साइन को प्लस करेंगे तो दोनों आने हैं, साइन भी आना है कॉस भी आना है. प्लस में पहला साइन होता है और दूसरा कॉस होता है. इसको थोड़ा सा और सिंपल फॉर्म में ला रहे हैं या रिफाइन कर रहे हैं. हम क्या करें, ए प्लस बी बड़ी चीज है. अगर हम सीधा सीधा सा कहें कि हम साइन को प्लस कर रहे हैं, तो फिर हम ए प्लस बी भी क्यों कहें. और थोड़ा सा इजी कर लेते हैं कि भाई ए प्लस बी को हम सी लिख लेते हैं और ए माइनस बी को हम डी लिख लेते हैं. तो जरा ध्यान से देखो, अब मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा, और यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी पे बेस पे क्वेश्चंस होंगे अब आपके पास. साइन सी प्लस साइन डी, यानी कि हम साइन को ऐड कर रहे हैं. ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारे पास ए प्लस बी था तो उसको हमने सी कह दिया, और ए माइनस बी था उसको हमने डी कह दिया. लेकिन लेफ्ट साइड में तो ए और सी, ए और बी हैं, तो हम ए और बी को क्या कर सकते हैं. तो अगर हम ये कहें कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो आप देखोगे आपके पास जो होगा बी कैंसिल हो जाएगा. अगर बी कैंसिल होगा तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 2a is equals to c plus d and finally a is equals to c plus d by 2. लेकिन अगर हम दोनों को माइनस कर दें, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास माइनस करने से ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो a से ये कैंसिल, तो फिर आपके पास आएगा 2b is equals to c minus d and b is equals to c minus d by 2. तो हमारे फॉर्मूले में अब क्या होगा, जहां a plus b था वहां c आ जाएगा और जहां a minus b था वहां d आ जाएगा. अब आप sin को plus कर रहे हो, logic अभी भी वही रहना है. sin को plus कर रहे हो तो पहला sin आएगा और दूसरा cos आएगा. दूसरी बार twice तो होना ही होना है. अब जरा ध्यान से दोनों फॉर्मूले देख लीजिए सब बच्चे. ऊपर अगर मैं फॉर्मूला ले रहा हूँ, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये वाला, इसमें क्या है, लेफ्ट साइड में डबल एंगल है, लेफ्ट साइड में डबल एंगल है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो राइट साइड में सिंगल एंगल है a और b. लेकिन अगर जो मैं नीचे वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ साइन c प्लस साइन d, तो नीचे वाले में लेफ्ट साइड में एक एंगल है और राइट साइड में a की जगह हमारा क्या आया है, कोई बताएगा? c प्लस d बाई टू. c प्लस d बाई टू, और b की जगह क्या आया है? c माइनस d बाई टू. इन दोनों फॉर्मूलों को सेम ऑर्डर में रखना है. साइन को प्लस करेंगे, पहला साइन दूसरा कॉस, ऊपर देखो चाहे नीचे देखो, बस लेफ्ट साइड में टू है तो राइट साइड में वन है, लेफ्ट साइड में वन है तो राइट साइड में टू है. साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस बी, और साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू. अब जो हमने चार फॉर्मूले लिए हैं दोनों को कर रहे हैं. अगर हम साइन को माइनस करें, साइन को माइनस करेंगे तो पहला कॉस आना है तो ठीक है, c प्लस डी बाई टू आएगा. दूसरा साइन आना है तो c माइनस डी बाई टू आएगा. अगर हम कॉस को प्लस कर रहे हैं, कॉस c प्लस कॉस d, तो सर दोनों कॉस आने, तो सर यहाँ भी c प्लस डी बाई टू आएगा और यहाँ भी c माइनस डी बाई टू आएगा. अगर हम कॉस को माइनस कर रहे हैं तो सर दोनों
साइन आने, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो दोनों साइन आने, सी प्लस डी बाई टू एंड सी माइनस डी बाई टू, लेकिन ये साइन दोनों माइनस पे आएंगे। सब बच्चे बताओ ये चार फॉर्मूले समझ में आएगा? यस सर। अब सारे क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में इसी पे बेस्ड है, ज्यादातर क्वेश्चन देखो कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। लेकिन ये इतने सारे क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड है, कोई सा भी क्वेश्चन आप ले लीजिए वो सारे इसी पे ही बेस्ड मिलेंगे। अभी करेंगे इनको, तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिखा रहा हूँ। एक मैं कर रहा हूँ फिर एक आप करना। सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला रखते ही आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास है cos 9x minus cos 5x, cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin 3x। मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, राइट हैंड साइड फॉर्मूला रखती है अपने आप आ जाएगी। cos 9x minus cos 5x upon sin 17x माइनस साइन 3x। कोई बच्चा मुझे बताएगा cos c माइनस cos d क्या होता है? माइनस 2c प्लस d बाय 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इनटू sin c प्लस c माइनस d अपॉन 2। cos को अगर माइनस कर रहे हैं तो दोनों साइन आएंगे, और क्योंकि लेफ्ट साइड में सिंगल एंगल है तो राइट साइड में डबल एंगल होगा, तो दोनों साइन का मतलब ट्वाइस तो आना ही आना है। 2 sin c प्लस d बाय 2, 9 प्लस 5 बाय 2, दूसरा भी साइन ही आएगा 9 माइनस 5 बाय 2। जैसे ही आप फॉर्मूला रखोगे आंसर आ गया, समझिए। अपॉन अगर आप साइन को माइनस कर रहे हो तो साइन अच्छा है, लेकिन माइनस करने से क्या होता है, कॉस भी आना है साइन में, माइनस में पहले कॉस आएगा तो 17 प्लस 3x बाय 2, दूसरा साइन आएगा 17x माइनस 3x बाय 2, सिर्फ इतना सा है। तो अब आप स्कैन देख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 9 प्लस 5 14, 14 बाई 2 7 होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चेक करेंगे ये भी आपके पास 7 है 14 बाई 2, और ये भी आपके पास 7 है 17 माइनस 3 14 बाई 2, तो इससे ये कैंसिल। आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 क्या होता है? 4, 4 बाई 2 क्या होता है? 2, तो आपके पास बचा माइनस साइन 2x, और 17 प्लस 3 क्या होता है? 20, 20 बाय 2 क्या होता है? 10, cos 10x। तो समझ में आया क्या? यस सर। बेसिकली हमने दो लाइन लिखी है, पहली लाइन ये है जो फॉर्मूला अप्लाई किया, दूसरी लाइन ये है जो हमने सिंपलीफाई किया, ये तो हमने लेफ्ट साइड लिखी थी। तो जैसे ही आप फॉर्मूला लिखोगे आंसर आ जाएगा। जरा एक क्वेश्चन खुद से करके देखो सब बच्चे, ये वाला क्वेश्चन करो, इससे डर भी सकते हो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ पेयरिंग कर लो इसकी। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, जरा ध्यान से देख भी लो। हाँ भाई, हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, दैट इज साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं कि ए इज इक्वल्स टू बी, ए और बी अगर दोनों सेम हो जाए तो आप खुद बताइए क्या लिखोगे आप। ए प्लस ए, साइन भी ए में होगा कॉस भी ए में होगा, फिर कॉस भी ए में होगा साइन भी ए में होगा, तो इसका मतलब क्या है, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए टू टाइम होगा, और ए प्लस ए टू ए होगा। तो मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला आ गया, जिसपे दो क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि साइन टू ए इज इक्वल्स टू टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए टू टाइम हो गया, तो ये हमारे पास हो गया। जरा ध्यान से देखिए, मेरे पास एक बेसिक फॉर्मूला और है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, माइनस में ये नहीं लगेगा, जैसे ही ए माइनस ए करोगे जीरो हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं, प्लस में ही लगाएंगे। तो कॉस ए प्लस बी है हमारे पास, तो वो है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगेन आप सेम चीज अप्लाई कर रहे हो कि एंगल्स आर इक्वल। डायरेक्ट बच्चे मुझे बताओ कॉस ए प्लस ए क्या हो जाएगा? कॉस टू ए, कॉस टू ए, और राइट साइड में क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस ए,
cos square a and sin a into sin a minus sin square a. ये है हमारे पास. तो cos 2a is equals to cos square a minus sin square. ये एक तरह से derivation इसलिए कर रहा हूँ कि जहन में रहे कि ये कहाँ से हमारा formula आ रहा है. तो एक बार अगर कहीं miss भी कर रहे हो तो भी आपको याद रहे. जरा ध्यान से देखो, अगर इस cos square a को मैं 1 minus sin square a लिख दूं और right side में पहले से भी एक sin square है, तो sin square a कितने टाइम आ गया? 1 minus 2 sin square a. 1 minus 2 sin square a. cos 2a का एक दूसरा फार्मूला ये भी होता है. तो cos 2a के दो फार्मूले हो गए. एक cos 2a का फार्मूला हो गया cos square a minus sin square a, और एक फार्मूला हो गया cos 2a is equals to 1 minus 2 sin square a. अभी जो किया था हमने cos square को चेंज किया था, अब हम कह रहे हैं कि अगर हम sin square को चेंज कर दें, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमारे पास पहले से cos square a है और हम sin को चेंज कर रहे हैं 1 minus cos square a में. चलो वो तो तोड़ दिया आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे वो ला दीजिए पानी जल्दी से, गर्म जल्दी से ला दीजिए. 2 cos square a minus 1. तो आपके पास क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 2 cos square a minus 1. तो ये भी cos 2a का फॉर्मूला है. तो cos 2a के हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए. एक हमारे पास हो गया cos square a minus sin square a, एक हमारे पास हो गया 1 minus 2 sin square a, एक हमारे पास हो गया 2 cos square a minus 1. एक्चुअली डिपेंड करेगा कि मुझे राइट हैंड साइड में क्या लाना है. अगर मुझे दोनों टर्म लाने हैं तो इसको यूज करूंगा, अगर मुझे सिर्फ साइन लाना है तो इसको यूज करूंगा, और अगर कॉस यूज लाना है तो इसको करूंगा. तो ये हमारे पास होगा. तो आप ध्यान रखिएगा कि हमें लाना क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. सलाम मजद जी, माजर चाहूंगा क्लास ले था इसीलिए बस आपको जी बताए. फिर भी आप बताए प्लीज जी. जी 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 नहीं, उन्हें स्कूल से कोई फोन सुनने की जरूरत नहीं है. निको जी आप उनसे बात कर लीजिए, वो स्कूल वाले थोड़ा ड्रामा कर रहे हैं असल में. आप परेशान ना, उससे कोई जहमत नहीं है, कोई मसला नहीं है, उनके कहने से कुछ नहीं होता. निको सर हमारा ताल्लुक स्टडी पॉइंट से, आप प्लीज हमें कॉल ना करें, आप सीधे स्टडी पॉइंट से बात कर लें. आपको सिर्फ इतना ही जवाब देना, निको सर आप स्टडी पॉइंट से बात करें, हमें आप फोन करें ही मत जी. शुक्रिया, जजाक अस्सलाम वालेकुम. तो हमारे पास क्या है ये फॉर्मूला, प्लीज एक और देख लो, इसको भी खत्म करें. तो इस पे फिर सीधे सीधे से हमारे पास क्या है, tan a plus b है. tan a plus b होता है tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. तो अगर हम यहाँ a और b को इक्वल रखेंगे तो tan a plus a tan 2a हो जाएगा. ऊपर tan a plus tan a, ये भी tan a होगा, ये भी tan a होगा. तो tan a क्या होगा भाई, 2 tan a, और 1 minus tan a 1 minus tan square. तो बेसिकली ये तीन फॉर्मूले बनेंगे, sin 2a, cos 2a, tan 2a. जस्ट टू रिमाइंड कि आप थोड़ा सा देख लो एक बार, sin 2a 2 sin a cos a होता है, cos 2a cos square a minus sin square a 2 cos square a minus 1 1 minus 2 sin square a tan 2a 2 tan a upon 1 minus tan square. ये तीन फॉर्मूले हैं और इनपे सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन देखो अब जरा ध्यान से. ये हमारे पास दो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम्स में बहुत पूछ लिए जाते हैं और ये फॉर्मूलाज हमारे यूज होंगे. ये हमारे पास है थर्ड एक्सरसाइज में, ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13. तो आपसे क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x. अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर
फोर एक्स. तो आपके पास क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप प्लस कर दीजिए साइन सिक्स एक्स प्लस साइन फोर एक्स, आप माइनस कर दीजिए साइन सिक्स एक्स माइनस साइन फोर एक्स. ये बस. तो अब आपके पास क्या होगा साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी. एक जगह आप साइन को प्लस कर रहे हो और एक जगह आप साइन को माइनस कर रहे हो. किसी के पास साइन को प्लस करने का फॉर्मूला पता है? अबे जब साइन को प्लस करते हैं तो पहला क्या आएगा? साइन. साइन. साइन आएगा और दूसरा कॉस. कॉस. सी प्लस डी सी माइनस डी तो होना ही है, ट्वाइस भी होना है. साइन को माइनस करेंगे पहला कॉस आएगा. कॉस. दूसरा साइन आएगा. आप चाहें तो सीधा प्लस करके डिवाइडेड बाई टू करके भी लिख सकते थे, मतलब ये वाली लाइन स्किप करके आप सीधा क्या लिखते, आप लिखते सिक्स प्लस फोर टेन, टेन बाई टू फाइव एक्स, कॉस सिक्स माइनस फोर टू, टू बाई टू वन एक्स, सिक्स फोर टेन, टेन बाई टू फाइव एक्स एंड सिक्स फोर टू, टू बाई टू वन एक्स. तो आप सीधा सीधा सा इस वाली लाइन को स्किप करके आप डायरेक्ट ये लाइन भी लिख सकते थे. अब यहाँ पे वो फॉर्मूला लगेगा जो मैं आपसे कह रहा था. मेरे पास क्या है ध्यान से देख लीजिए, मेरे पास ये 2 है और ये साइन 5x है और इसके साथ सेम 5x वाली टर्म ले रहे हैं, दैट इज कॉस 5x. तो इन तीनों ब्लू को अगर मैं ऐसे लिखूं 2 साइन 5x कॉस 5x, ये मेरा हो गया ब्लू. और मेरे पास जो रेस्ट रह गए उसमें 2 भी है, साइन x भी है और cos x भी है. इनको मैं अलग से लिखूं 2 sin x cos x. तो अभी मैंने जो तीन फॉर्मूले ड्राइव किए हैं उनमें से देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. मेरे पास क्या है, मेरे पास एक फॉर्मूला है sin 2a. sin 2a is equals to 2 sin a cos a. तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 2 sin a cos a. तो ये साइन टू ए के इक्वल होता है साइन टू ए, लेकिन ए की जगह यहाँ फाइव एक्स आना है और इन टू ये लास्ट वाला भी टू साइन ए कॉस ए है तो साइन टू ए आना है, तो ए की जगह यहाँ एक्स आना है. तो आपके पास क्या हो गया टू फाइव जो टेन एक्स, तो साइन टेन एक्स और यहाँ हो गया साइन टू एक्स. किसी को समझ में आया क्या? यस सर. ध्यान से देख लीजिए हमने किया क्या है. हमारे पास था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने पहले उसे ब्रेक कर लिया ए प्लस बी ए माइनस बी. फिर हमने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया और सीधा सीधा सा फिर हमने जो एंगल सेम थे उनको एक साथ ले लिया, फाइव वालों को एक साथ, एक्स वालों को एक साथ. तो वो फॉर्मूला बन गया टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए. तो टू साइन ए कॉस ए साइन टू ए होता है, तो टू फाइव जो टेन, साइन टेन एक्स साइन टू एक्स. अगर आप चेक करोगे जो मेरे पास थर्टींथ क्वेश्चन है, ये वाला जो 13 क्वेश्चन, ये इसी पे बेस्ड है cos square 2x minus cos square sin x. इसमें जो मैंने आपसे कहा था कि 6x मेरा बड़ा एंगल है, तो अगर माइनस लेके 6 को पहले लिख लोगे तो आपको आगे परेशानी नहीं होगी, अदरवाइज आप चाहो तो इसी तरह से स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, तो जरा एक लाइन लिख के देखो आप सब बच्चे. हमारे पास क्या है, हमारे पास ये 14th क्वेश्चन है cos square 2x minus cos square 6x. क्या आएगा बाद में सोचेंगे, जब सही करेंगे तो अपना आप आ जाएगा. मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आप सब बच्चे क्या करिए, माइनस कॉमन लेके cos square 6x को पॉजिटिव कर लीजिए और 2x को नेगेटिव कर लीजिए, cos square 2x ऐसे. ठीक है जी, तो आपके पास क्या आएगा, बाद में भी कर सकते हैं. तो आपके पास क्या आएगा माइनस, तो यहाँ आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी एंड a माइनस बी. सबको समझ में आया या नहीं आया? आया सर. अब जरा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाइए और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाइए. अगर आप cos का फॉर्मूला लगाएंगे, cos तो पता ही आपको सेल्फिश है, दोनों cos ही आने, तो 2 cos c प्लस d. बताओ सीधा सीधा 6 प्लस 2 क्या होगा? 4x. 8 by 2 4. Upon 2 4. ठीक है, दूसरा भी cos ही आना है. A, c minus d. 6 minus 2 4. 4 by 2 2x. सबको इस समझ में आया या नहीं आया? Yes. Yes. Yes sir. आप दूसरा वाला क्या है, cos को माइनस कर रहे हो,
अगर कॉस को माइनस कर रहे हो तो वो माइनस में आता है और दोनों साइन होते हैं, तो आने तो टर्म्स यही है 6 to 8, 8 by 2, 4x एंड 6 minus 2, 4, 4 by 2, 2x. सब बताओ समझ में आया क्या? यस सर आया सर. ठीक है, हमने क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया था तो एंगल के साथ कहीं नेगेटिव नहीं आया, लेकिन अगर आपने माइनस कॉमन ना लिया होता तो 2 minus 6 करते, 2 minus 6 करते तो -4 आता, -4 का हाफ फिर 2 आता, माइनस थीटा, तो वहां पे माइनस थीटा लगाना. अब जरा आप खुद ही देख लो, ये मेरा माइनस है और ये भी मेरा माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. प्लस दोनों के दोनों माइनस में है और सारे के सारे टर्म्स प्रोडक्ट में है, तो अगर सारे टर्म्स प्रोडक्ट में है तो ये माइनस माइनस प्लस, तो एक तो ये माइनस खत्म हो गया. दूसरा अब हमें एंगल सेम देखना है. एंगल सेम का मतलब क्या है? यहाँ 4x है और यहाँ 4x है, तो इनको अलग ले लेते हैं, और यहाँ हमारे पास 2x है और यहाँ 2x है, इनको अलग ले लेते हैं, और दोनों के लिए हमारे पास 2, 2 अवेलेबल है. तो मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 sin 4x cos 4x एक साथ, एंड 2 sin 2x एंड cos 2x एक साथ. सब बच्चों को समझ में आ गई बात? Yes, sir. अब बताओ 2 sin a cos a क्या होता है? Sin 8x. Sin 2a. 2 4 जा 8x. Yes, good, शाबाश. And 2 sin a cos a again sin 2a. Sin, तो sin 2 into 2x. तो 2 4 जा 8x and 2 2 जा 4x. तो ये लाइन भी आप स्किप कर सकते थे. सर क्लियर है? हाँ भाई. सारे बच्चे खामोश हैं. हमने तो पहले ही कहा था रोजा खोल के हिम्मत नहीं हो रही तो बता दो, अब खामोश हो क्यों भाई? उम्मे सलमा जी, रुकैया जी, बताइए हिम्मत है नहीं है पढ़ने की भाई? चलो देखो, आवाज आ रही है मेरी? यस रुकैया, आज रुकैया की आवाज नहीं आ रही, माशाल्लाह रोजा था तो आवाज नहीं निकली. रोजा था रुकैया? रमेश साहब आप कहाँ रहते हैं? कभी हैं कभी नहीं है क्लास में? रमेश पता नहीं कहाँ है, आधे तो गायब हैं. चलो सर देखो, अब जरा देखो डायरेक्ट, फिर एक और जो हमने फॉर्मूला लिया है उस पर डायरेक्ट हम एक क्वेश्चन लेते हैं. अब आप सीधा सीधा सा 21 तक सारे क्वेश्चन कर सकते हैं. क्वेश्चन देखो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है अपने आप में, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20. साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 sin x, ये आपके पास दिया हुआ है. तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ लेफ्ट साइड की, अगेन मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो आपके पास आएगा साइन 3x माइनस साइन x अपॉन, नीचे से भी मैं माइनस कॉमन ले लूं तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, एक्चुअली क्या है, ऊपर तो आप ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे साइन c माइनस साइन d, लेकिन हमारे पास जो नीचे था साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अगर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते भी तो आपके पास आता साइन सी प्लस कॉस डी या साइन सी प्लस कॉस सी, वो कोई फॉर्मूला है ही नहीं. लेकिन जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो आपको ये मिल गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. क्या ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसी का फॉर्मूला है? कॉस 2a. कॉस 2a. यस गुड. तो पहली बात तो माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर साइन को माइनस कर रहे हो, साइन को माइनस कर रहे हो तो पहला कॉस आना है 3 plus 1 4, 4 by 2, 2x. दूसरा साइन आना है 3 minus 1 2, 2 by 2, 1x. और नीचे आना था cos 2x. तो क्या cos 2x से cos 2x कट गया? Yes sir. तो बचा क्या? 2 sin x. चाहिए क्या था? 2 sin x. हाँ भाई चाहिए क्या था? 2 sin x. That's it. एक क्वेश्चन और देखो, सीधा फॉर्मूला बेस्ड. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत स्कूलों में, और सीधा जो भी हमने फॉर्मूले बनाए हैं साइन 2a cos 2a tan 2 के उस पे बेस्ड. ये हमारे पास है tan 4x = 4 tan x 1 - tan square. राइट हैंड साइड क्या है मुझे नहीं मतलब,
लेफ्ट हैंड साइड से ही करने को मिल सकता है, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है tan 4x। सब बच्चे बताओ tan 4x को क्या मैं 2 into 2x लिख सकता हूँ? Yes sir। अब ये फॉर्मूला हो गया tan 2a। आपके लिए लिख रहा हूँ कि tan 2a का जो फॉर्मूला है वो होता है सर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। बस यहाँ ध्यान रखना है कि a क्या है मेरा, तो मेरे पास क्या है यहाँ a 2x है, तो आपके पास क्या होगा 2 tan a, तो a हो गया 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, a फिर 2x हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया tan 2a। अगेन tan 2a का फॉर्मूला लगाइए, तो अगर tan 2a का फॉर्मूला आप लगाएंगे दोबारा से तो आपके पास क्या आएगा, 2 तो पहले से ही है और न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, तो उससे आएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये किसका फॉर्मूला है, ये है tan 2x का, आपने tan 2x को ओपन कर दिया। अब नीचे हमारे पास था 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, तो इस tan स्क्वायर 2x को भी ओपन कर दो, तो इससे भी निकलेगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, लेकिन इसका होल स्क्वायर हुआ हुआ था। बताओ ये बात दोनों को समझ में आ गई या नहीं आ गई सबको? यस सर। न्यूमरेटर को भी ओपन किया दोबारा से और डेनोमिनेटर को भी, अब सिर्फ इसको सिंपलीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा 2 2 जा 4 tan x अपॉन 1 minus tan square x, ये तो न्यूमरेटर है, अपॉन डेनोमिनेटर में देखो जरा ध्यान से 1 minus, मैं 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ, 4 tan square x अपॉन, एक लाइन ये एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? यस सर। अब जरा क्या करेंगे, देखो ऊपर जो है हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है और नीचे हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही टर्म है, नीचे स्क्वायर है ऊपर नहीं है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम लेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा 4 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन एलसीएम ले लिया आपने, एलसीएम आपने क्या ले लिया, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम लिया है। ये वाली बात समझ में आ गई क्या सबको? यस सर। अगर एलसीएम लोगे तो इसको यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से और इसका स्क्वायर ओपन कर दो, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। कोई बच्चा बताएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस टेन 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? 10 रेज टू द पावर 4x। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab भी होगा कहीं को? यस सर। 2 टेन स्क्वायर एक्स। सबको समझ में आ गया ये, लेकिन हमारे पास पहले से क्या बचा हुआ था, हमारे पास बचा था माइनस 4 tan स्क्वायर x, तो माइनस 4 tan स्क्वायर x। अगर ये वाली लाइन सबको समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देख लो, ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x है, ठीक है, इसकी एक पावर से एक पावर कैंसिल, सर सही है क्या? यस सर। ठीक है, ये जो नीचे वाला टर्म है ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तो आपके पास क्या नजर आएगा, आपके पास नजर आएगा 4 tan x, आंसर आ गया बस 4 tan x into 1 minus tan square x, और नीचे देखो क्या बचा, यही आंसर है 1 बचा हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास tan की पावर 4x बचा, या पहले हम स्क्वायर वाला लिख लेते, तो 2 और 4 6 1 minus 6 tan square x और प्लस का tan की पावर 4x, बताओ यही बचा क्या? यस सर। अबे सब बताओ। Yes, sir. देखो आंसर यही चाहिए था क्या? Yes, sir. ठीक है सर, 4 tan x 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus 4 tan की पावर 4x। तो ये most important question थे जो sin 2a, cos 2a, tan 2a पे depend करते थे। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक formula है sin 3a, sin 3a होता है 3 sin a minus 4 sin cube a, 3 sin a minus 4 sin cube है, और हमारे पास क्या है cos 3a 4 cos cube a
माइनस थ्री कॉस ए, ये दो फॉर्मूले हैं जो थ्री एंगल के लिए हैं, ठीक है। इस पे देखो जरा, अगर ये फॉर्मूला ही सिर्फ चाहिए, फॉर्मूला याद है तो आंसर आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, और अगर ये एक्सरसाइज हो गई तो फिर आपके पास जो मिसलेनियस है वो सिर्फ इन्हीं पे बेस्ड है। cos 6x is equals to 32 की पावर cos 6x minus 48 cos 4x plus 18 cos square x minus 5, इतना बड़ा सारा हमें चाहिए। अगर हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड है cos 6x, क्या मैं cos 6x को cos 2 into 3x लिख सकता हूँ? Yes sir. Yes, अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया cos 2a। अगर आपको याद हो, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, cos 2a is equals to cos square a minus sin square a, 2 cos square a minus 1 minus 2 sin square a, ये तीन फॉर्मूले हैं। तो हमें राइट साइड में देखना पड़ता है कि राइट साइड में हमें क्या चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में तो राइट साइड में बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर एक स्पेशल चीज देखोगे तो माइनस वन है, क्या है यहाँ पे माइनस वन, तो माइनस वन, माइनस वन कौन से फॉर्मूले में आ रहा है? तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए, ए यहाँ पे थ्री एक्स है माइनस वन। सब बच्चे बताओ समझ में आया क्या? यस सर। अब जो ऊपर कॉस थ्री ए का फॉर्मूला लिखा है मैंने, कॉस थ्री ए, उसको यहाँ cos 3a में रख दो। तो cos 3a का फॉर्मूला क्या है भाई? 4 cos cube है। तो पहले से है ही, आपके पास आ जाएगा 4 cos cube x minus 3 cos x, लेकिन इसका यहाँ पे स्क्वायर था, क्या था? स्क्वायर, स्क्वायर, तो स्क्वायर ले लीजिए माइनस वन, बस यही आंसर है। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। Yes, जरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 6, 3 का स्क्वायर 9, cos स्क्वायर 2ab बताओ, 2 4 जा 8 3 जा 24, और cos क्यूब को cos से मल्टीप्लाई करोगे तो cos की पावर 4x, यस और नो? यस सर। यस सर। जरा 2 से मल्टीप्लाई करो जो बाहर है, 16 2 जा 32, 32 और 24 टू जा 48 और 9 टू जा 80 माइनस 1, यस और नो? यस सर। देखो यही चाहिए था क्या? यस सर। आ गया जी? यस सर। तो ये थी सर हमारी थर्ड एक्सरसाइज, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसी पे सारे हमारे जो कहना चाहिए मिसलेनियस है टोटली इसी पे बेस्ड है। अब जरा चेक करो फटाफट जल्दी से, क्या आपको थर्ड एक्सरसाइज में कोई सा क्वेश्चन पूछना है क्या?